वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। प्रदेश में कल पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ, वहीं मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इसी बीच बहुत से जगहों पर उपद्रवियों द्वारा जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी किया गया। वहीं आपको मध्य प्रदेश के धार जिले में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया है। धार जिले के गधवानी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम गरवाल में शुक्रवार देर रात उपद्रवियों ने खूब हंगामा किया। अज्ञात लोगों ने पंचायत चुनाव की ड्यूटी से वापस लौट रहे मतदान दल पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, केवल 3 लोगों को मामूली चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि हमला उस वक्त हुआ जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद मतदान दल मतपेटियों और सामग्री लेकर रवाना हो रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही पंचायत चुनाव टीम की बस चली, उसी वक्त यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी भिंगड़ी बाई के विरोधियों ने विवाद करना शुरू कर दिया। वह भिंगड़ी की जीत पर आक्रोशित हो गए। पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके। इसी बीच कुछ लोगों ने पंचायत टीम की बस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, उनकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए। इस हमले में 3 मतदान कर्मी को भी चोट आई है, उन्हें इलाज के लिए तुरंत प्राथमिक उपचार ले जाया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आई और फौरन पुलिस बल मौके पर भेजा गया। पुलिस बल मतदान दल को वहां से निकले। जांच के बाद पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ है। दूसरे चरण में प्रदेश में कुल 74% मतदान हुआ। इस बार भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भिन्न में मतदान के खलल के कारण 2 मतदान केंद्रों पर 3 जुलाई को फिर से वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के 47 जिलों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे खत्म हुआ। वहीं आपको बता दें कि मतदान के दौरान बहुत से जगहों पर हिंसक भी हुई है। वहीं मतदान के पहले चरण में भी बहुत से जगहों पर उपद्रवियों द्वारा जमकर हंगामा किया गया था, लेकिन प्रशासन के एक्शन में आने के बाद से उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है और उन पर कार्रवाई भी की गई है। और आशा है कि जल्द इन उपद्रवियों पर भी कार्रवाई की जाएगी और मामा का बुलडोजर उन पर गरजेगा।